टोंटोने चिड़िया बड़े से सोने का अंडे का घर का सपना देखती है। उसे सपने में एक सुनहरे रंग का जादुई अंडा घर दिखाई देता है और वो अंडा घर टोंटोने चिड़िया से मदद मांग रहा था। ये देखकर टोंटोने चिड़िया हैरान रह जाती है। तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। अरे ये क्या, आज मैं सपने में क्या देख रही हूँ? लगता है इस जंगल में बड़ा सा जादुई अंडा घर है, पर उसकी खोज मैं कैसे करूँ? मुझे तो पता ही नहीं वो जादुई अंडा घर आखिर है किस जगह। फिर टुनटुनी उस जादुई अंडे घर के बारे में सोच ही रही होती है कि वहाँ पर बंटी कबूतर आ जाता है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी, तुम सुबह सुबह किस सोच में डूबी हुई हो? शायद उस सवाल का जवाब मेरे पास हो। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। फिर टुनटुनी सपने वाली बातें बंटी कबूतर को बता देता है। तभी ये सुनकर बंटी कबूतर उससे कहता है, टुनटुनी, ये तो बड़ी अजीब बात है। क्यों ना उस जादू अंडे के घर के खोज में हम दोनों निकल जाएं? क्या पता अगर तुम्हारा सपना सच निकल जाए तो हमारी तो किस्मत ही बदल जाएगी। चलो टुनटुनी, जल्दी से चलो, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा है। फिर टुनटुनी बंटी कबूतर की बात मान लेती है। वो दोनों घने जंगल की ओर चल पड़ते हैं और उनकी ये बातें कालू कौवा और गोरी भी सुन लेती है, जिसके चलते वो दोनों भी इनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। अरे गोरी, ये दोनों तो घने जंगल की ओर जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें यहाँ जाना नहीं चाहिए। क्या पता टुनटुनी का सपना झूठा निकले, फिर हमारा क्या होगा? हाँ कालू, ये भी हो सकता है, लेकिन क्या पता उस टुनटुनी का सपना सच हो गया तो अपने तो दिन फिर जाएंगे। और तू डर मत, ये दोनों है ना, अगर कोई खतरा आया तो पहले इन दोनों पर आएगा, उससे पहले हम दोनों 9-2-11 हो जाएंगे। फिर वो दोनों टुनटुनी और कबूतर बंटी जंगल में ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां 3 सोने जादू के अंडे के घर होते हैं, जिसमें से एक ही वो जादू अंडा घर होता है जिसे टुनटुनी ने अपने सपने में देखा था। अरे बंटी, यहाँ तो 3 सोने के जादू अंडे का घर है, अब क्या होगा? मैंने तो सपने में एक ही जादू अंडा घर देखा था, अब कौन सा असली जादू अंडा घर है हमें कैसे पता चलेगा? तभी वो 3 जादू अंडे घर में से एक अंडा टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, मैं हूँ टुनटुनी जो तुम्हारे सपने में आया था, आओ मेरे पास आओ, देखो मेरे जादुई अंडे के घर में कितने सारे सोने के सिक्के रखे हैं। अगर तुम चाहो तो अपने साथ जितना चाहे उतना सोना ले जा सकती हो, आओ जल्दी मेरे जादुई अंडे घर में आओ। तभी दूसरा जादुई अंडा घर बोलता है, नहीं टुनटुनी, तुम इसकी बात मत सुनो, ये तो बड़ा घमंडी अंडा घर है, अगर तुम्हें चैन से रहना है तो तुम मेरे पास आ जाओ, आओ मेरे जादुई अंडे घर में आओ। फिर तीसरा अंडा घर बोलता है, अच्छा टुनटुनी, तुमने तो सुन ही लिया होगा कि ये दोनों अंडा घर क्या कह रहे हैं, तुम्हें जो अंडा घर पसंद आता है तुम उसे चुन सकती हो, अब तुम्हारी बारी है कि तुम किस अंडे घर को चुनेगी, ये तुम्हारी मर्जी है। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर तीनों जादुई अंडे घर की बात सुनते हैं। तभी हरिया तोता वहाँ आ जाता है और उस जादुई अंडे घर को देखकर उसे लालच आ जाता है। बाबा रे बाबा, इस जंगल में तो 3 सोने के जादुई अंडे घर हैं और तुम सब इसके अंदर जाने के लिए सोच रहे हो, मैं तो चला इसके अंदर, तुम सब अपना देखते रहो। ये कहकर हरिया तोता बिना सोचे समझे पहले जादुई अंडे के घर के अंदर चला जाता है और उसके बाद कालू और गोरी आकर दूसरे जादुई अंडे के घर में चले जाते हैं। अंदर जाते ही वो सब चिल्लाने लगते हैं, बचाओ टुनटुनी, बंटी हमारी मदद करो, ये जल्दबाजी में हम कहाँ आ गए, बचाओ हमें वरना हम मर जाएंगे। हाँ हरिया तोता, तुम सही कह रहे हो, तुम दोनों हमारी बातें सुन रहे हो तो हमारी मदद करो। तभी तीसरा जादुई अंडा घर बोलता है, देखा मैंने कहा था ना टुनटुनी, तुम जिस भी जादुई अंडा घर के अंदर जा सकते हो, पर ये पक्षी तो लालची निकले,
अब इन सबको यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। इसके अंदर जाने का मतलब अपनी जान की बाजी लगाना होगा। कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि ये मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें ऐसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकती। टुनटुनी, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा, चलो चलते हैं। तभी तीसरा अंडा ये बात टुनटुनी को सुनकर कहता है, टुनटुनी तुम एक काम करो, तुम दोनों मेरे अंदर आ जाओ और इन तीनों को बचा लो। फिर टुनटुनी और बंटी जादुई अंडा के घर अंदर जाकर वो तीनों को बचा लेते हैं। फिर सभी बाहर आ जाते हैं और जादुई अंडा घर कहता है, टुनटुनी और बंटी ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने दोस्तों की जान बचाई। इसकी अच्छाई देकर हम इन दोनों को एक एक सोने का अंडा दे रहे हैं। तुम इसे अपने पास रखो, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो इस अंडे को पुकारना, यह अंडा तुम्हारी मदद जरूर करेगा। बाबा रे बाबा, मैं तो बहरूपी जादुई अंडे के घर में फंस गया था, तुम दोनों ने मेरी मदद की। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी वापस लौट पाऊंगा। और हम दोनों तो चुपके से तुम दोनों की बातें सुनकर यहाँ पहुँचे थे। हमें क्या पता था कि ये सच में ही जादुई अंडा घर बदमाश निकलेगा, पर असली का जादुई अंडा घर तो तुम दोनों के हाथ आया है। वैसे मजे है तुम दोनों के, वो इसलिए कि हमने तुम दोनों की जान बचाई, वो भी बिना लालच के, और तुम सबने लालच में आकर अपने आप को मुसीबत में डाल दिया। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। फिर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर वो जादुई अंडा पाकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो सब पक्षी वहाँ से खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।